हेलो एंड वेलकम टू स्नेहास किचन। सर्दी का मौसम है तो हलवा खाना तो बनता है। आज मेरी किचन में हम बनाने जा रहे हैं एक नई किस्म का हलवा जो बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर हलवा कहते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने लिया है 6 छोटी चम्मच गेहूँ, 6 छोटी चम्मच काले चने, 4 चम्मच खसखस, बादाम पीस 20 से 25, एक छोटी कटोरी गोला। सबसे पहले मैंने गेहूं, काले चने, बादाम और गोले को अच्छे से धोकर एक बड़े बर्तन में 7 से 8 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया है और खसखस को भी अलग से भिगो कर रख दिया है। अब हम इन सभी चीजों को छलनी से छान लेंगे, फिर हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, फिर हम इस मिश्रण को डालेंगे और मंदी आंच पर इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए ये मिश्रण कितने बढ़िया से भून कर आया है। इस मिश्रण को सेकते समय जो घी ज्यादा लग रहा था वो मैं निकालती गई। इस भुने हुए मिश्रण को हम 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब भी मन करे इसे बनाइए और खाइए। आइए अब इस हलवे को बनाते हैं। कढ़ाई गरम करिए, इसमें 2 चम्मच मिश्रण डालिए और उसे 1 से 2 मिनट के लिए सेकिए। फिर इसमें एक छोटे ग्लास दूध डालकर अच्छे से चलाइए। 4 से 5 मिनट के बाद इसमें हम शक्कर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर अच्छे से भूनेंगे। गर्मा गर्म हलवा तैयार है। अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। दूध से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सिर दर्द और कमर दर्द में ये हलवा बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।